नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दयाशंकर ओझा। फिर से आपका भाई हाजिर है एक नए वीडियो को लेकर। जी हाँ, आज मैं सुनाने वाला हूँ एक कॉल रिकॉर्डिंग जो कि आपको पूरा क्लियर कर देगा कि पवन सिंह जी का छठ गीत आने वाला है या नहीं। तो पूरा इस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनिएगा। हमने बात करा है म्यूजिक डायरेक्टर से, पावर स्टार पवन सिंह जी के म्यूजिक डायरेक्टर से। तो लेकिन उससे पहले यही बोलूंगा कि आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दयाशंकर ओझा। आपका भाई हमेशा ही भोजपुरी में वीडियो लेके आते रहता है और हम भोजपुरी को जोड़ने की बात करते हैं, तोड़ने की नहीं। चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्त आपको बता दूं कि जितने सारे ये सब फेक पोस्टर बन रहे थे कि पवन सिंह का छठ गीत ये है, पवन सिंह का छठ गीत ऐसा है, पवन सिंह का छठ गीत वैसा है, तो आपको मैं पूरा क्लियर करने वाला हूं कि पावर स्टार का छठ गीत आएगा कि नहीं आएगा। दोस्त हमने भी किसी के बात सुनकर, कोई जो व्यक्ति हमें खबर देता था उनके बात सुनकर हमने भी कुछ गलत न्यूज़ बना दिया। उसके लिए आपको तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ कि एक्चुअली हमने पड़ताल नहीं की, बिकॉज़ हम उनके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे लेकिन वो झूठ बोले हमसे, और इसीलिए हमने ऐसा न्यूज़ बना दिया। लेकिन अब मैं किसी के ऊपर भरोसा नहीं करके आपको मैं सीधे कॉल रिकॉर्डिंग सुनाने वाला हूँ। देखिए, ये कॉल रिकॉर्डिंग मैंने बात किया म्यूज़िक डायरेक्टर से, जो कि पावर स्टार के बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, छोटे रावत जी। और छोटे रावत जी एक बहुत ही अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं और आज के दिनों में बहुत बड़े बोल सकते हैं म्यूज़िक डायरेक्टर, क्योंकि एक से बढ़ के एक गाना वो दे रहे हैं। तो देखिए आखिर क्या बात हुआ, मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग पूरा यहाँ पे प्ले करके सुनाने वाला हूँ। तो देखिए, छोटे रावत जी को मैं कॉल किया था, आप देख सकते हैं ये मेरा मोबाइल का लिस्ट है रिकॉर्डिंग का। और कृपया कर जो भी भाई इस ऑडियो को डालें तो एक बार मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दे। आप कोई दिक्कत नहीं, आप ऑडियो डाल सकते हो अपने चैनल पर, लेकिन बिना परमिशन के मत डालना। एक बार बस व्हाट्सएप पे लिख के बोल देना कि मैं डाल रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उससे। मैं अभी प्ले करने वाला हूँ, आप देख लो। हेलो हेलो, हाँ हेलो, हाँ जी, मेरी बात क्या छोटू रावत जी से हो रही है? जी बोल रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम दया शंकर ओझा है और मैं एक यूट्यूबर हूँ। मैं थोड़ा सा आपसे कुछ जानकारी के लिए फोन किया था, तो क्या आप व्यस्त है, क्या दे पाएंगे मुझे जानकारी? कहिए। एक्चुअली अभी मैंने देखा कि पवन सिंह जी के नाम का एक फेक पोस्टर बना के शेयर किया जा रहा है कि उनका गाना आ रहा है, गाना आ रहा है। तो बस केवल मैं वही क्लियर करना चाहता था, क्या पवन जी का कोई गाना मतलब उस नाम से आ रहा है क्या? क्या नाम से? हाँ, त्रिवेणी, छठ के त्रिवेणी। इसका म्यूजिक है, म्यूजिक उसमें कोई अलग सोनी का दिखा रहा है, सोनी म्यूजिक, और उसमें छोटे छोटे बाबा दिखा रहा है, और वो पोस्टर नहीं लग रहा है, पोस्टर फेक है, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि पवन भैया छठ नहीं गाए हैं। एक भी गाना छठ नहीं गाए हैं? एक भी गाना छठ नहीं गाए हैं, छठ ये सब देवी गीत गाना गा के तुरंत निकल गए थे वो लंदन। तो भैया एक बात बताइए कि ऐसा भी न्यूज फैलाया जा रहा है कि आपने 3 गाने का म्यूजिक दिया है छठ का? हाँ जी। नहीं नहीं, छठ मेरे पास नहीं हुआ है। छठ आपके पास नहीं हुआ? बताइए, ये तो गलत मतलब न्यूज इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। मतलब आप एकदम भैया श्योर है कि इस बार छठ का मतलब भैया गाना गा के यहाँ से नहीं गाए हैं ना? मेरे पास तो फिलहाल हुआ नहीं है कोई भी। रही बात दूसरे जगह, तो हमने इस बारे में पवन भैया से कुछ बात नहीं की डायरेक्ट, वो दीपक भैया से बात की थी। मैंने पूछा था कि पवन भैया का छठ आ रहा है कि नहीं इस बार। हाँ जी, नहीं इस बार छठ नहीं आएगा। अरे, छठ गीत नहीं आ रहा है? ठीक है, वो तो चले गए, लंदन चले गए थे ना पहले ही, जैसे ही काम हुआ खत्म चले गए। वो भी अब एकदम आप सही बोल रहे हैं, लेकिन वो तो एकदम बात है। लेकिन ये अरुण बिहारी जी से, अरुण बिहारी जी दावा कर रहे थे कि छठ आ रहा है उनका, दो मतलब रिकॉर्डिंग अपने रिकॉर्डिंग होगा, ऐसा कुछ बोल रहे थे वो। तो ये ऐसा कुछ न्यूज आपको पता है भैया? मुझे जानकारी नहीं है छठ के बारे में। ओके, अगर अरुण बिहारी का छठ भी होगा तो होता तो हो सकता है, तो अरुण बिहारी का सारा गाना मेरे पास ही बनता है। हाँ, तो वही बात है, जब आप बोल कोई डिस्कस नहीं हुई है, जब आप बोल रहे हैं तो ये खबर एकदम सच होगा। तो भैया आप थोड़ा मतलब बता दूं आपको कि कभी कभार मैं आपको कॉल करते रहूंगा थोड़ा सही चीज जानने के लिए, बिकॉज ये लोग फेक बना के इतना गलत मतलब एक आशा होता है ना, जैसे पवन पावर स्टार से पवन सिंह जी से सबसे जुड़े हुए हैं तो एक आशा होता है कि हाँ गाना आएगा। तो कभी कभार हम भी न्यूज बनाते हैं, हम लोग रेगुलर डालते रहते हैं और उसी ग्रुप के आधार पर हम लोग बना देते हैं कि हाँ ये खबर आएगा। तो फिर मैंने आज बहुत कोशिश करके आपका नंबर निकाला, मैं बोला कि मैं खुद ही बात करूंगा छोटू जी से क्या है नहीं है, क्योंकि गलत गलत पोस्टर बनाना, पवन जी का गाना कल आ रहा है परसों आ रहा है तो थोड़ा हर्ट होता है, क्योंकि समझ ही रहे हैं कि पावर स्टार का थोड़ा गाना में मतलब छठ गीत थोड़ा स्पेशल होता ही है, सबको थोड़ा
सुनने में अच्छा लगता है, तो एक उम्मीद रहती है। तो मैं कभी कभार आपको फोन कर लिया करूंगा, तो कुछ माइंड मत कीजिएगा, थोड़ा इन्फॉर्मेशन बस शेयर करते रहिएगा। थैंक यू भैया। ठीक, ओके, थैंक यू भैया। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, चैनल से जुड़ जाना। कोशिश यही करूंगा जितना हो सके पावर स्टार खेसारी लाल जी का सही रिपोर्ट दे पाऊँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं एक नए वीडियो में।